मॉर्निंग। सबसे पहले कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग CUET के थ्रू अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ विशेष सूचना है। जैसे ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि इस चीज़ के लिए परेशान है कि आखिर किया क्या जाए। तो जिन लोगों को भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए मुख्यतः, लेकिन इससे पहले भी आप सभी जानिए कि एक चीज़ डिसाइड करिए कि किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, उसकी प्रायोरिटी क्या है। अगर आपको यूनिवर्सिटी BHU अच्छी लगती है या किसी भी कारण से आप BHU में एडमिशन चाहते हो, तो BHU का जो ऑफिशियल साइट है खास करके काउंसलिंग के लिए वो है BHUonline.in, जो आपको दिख रहा है, जो बी कैपिटल और सारा स्मॉल BHUonline.in, ये आप टाइप करिए और धैर्य रखिए कि इस पे कौन कौन से इंफॉर्मेशन दिए जा रहे हैं। और एक चीज का आप सभी एप्लीकेंट्स ध्यान रखें कि जैसे BHU की ऑफिशियल साइट ये है, उसी तरीके से सारे इंडिया की जो यूनिवर्सिटी CUET के स्कोर कार्ड पर एडमिशन देने वाली है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के छात्रों को, उनका ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसी को खोलने की जरूरत है। जब हम इसे खोलते हैं, खासकर स्पेशली BHU के वेबसाइट को, तो इसमें आप देखें इस तरीके का पेज दिखेगा आपको। और धैर्य के साथ, क्यों, क्योंकि अब डेट खत्म होने वाला है, 3 अक्टूबर रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है। ध्यान रखिए, इस वीडियो को बनाने के पीछे की सबसे बड़ी लॉजिक है कि आपके पास अगर अभी भी आपने रजिस्ट्रेशन किसी कारणवश नहीं कराया और आपके पास कोई ये सूचना नहीं पहुंची, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है रजिस्ट्रेशन क्लोज ऑन 3rd of October 2022 और प्रीफ्रेंस एंट्री क्लोज होगी 4 तारीख को। अब जो भी बच्चे रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं उनके लिए प्रेफरेंस एंट्री अलाउ हो चुकी है कि आप अपना प्रेफरेंस भरें। उसके पहले आप एक चीज जानिए, काउंसलिंग पोर्टल, यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है इसमें एडमिशन कमिटी सेक्शंस है और स्टूडेंट काउंसलिंग सेक्शंस। अभी तक काउंसलिंग चूंकि पूरी तरह स्टार्ट नहीं हुई है, इसलिए UG स्टूडेंट अपना लॉग इन करके यहाँ पर साइन इन करके अपने प्रेफरेंस लिस्ट तक जा सकते हैं। ये हुआ दूसरी चीज। ऊपर क्लिक करिए, ऊपर एकदम ऊपर क्लिक करिए, हाँ उसी पे क्लिक करिए। हाँ ये गाइडलाइन, आप लिस्ट ऑफ कोर्सेज एक बार पढ़ना और एक चीज ध्यान देना, ये जितने भी कोर्सेज हैं इनका हो सके, स्पेशली हो सके तो आप इनका प्रिंट आउट लेकर रखिए जिस किसी को भी ग्रेजुएशन में एडमिशन चाहिए, क्योंकि ऑल एंड एवरेज, ठीक है, इससे डिटेल पता चलेगा कि हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में किस कोर्सेज के लायक हैं। क्यों, क्योंकि जब काउंसलिंग का स्टेप खत्म होगा, सॉरी प्रेफरेंसेस के स्टेप के बाद जब काउंसलिंग का स्टेप स्टार्ट होगा, तो सारे इंफॉर्मेशन आपको इसी पे मिलते चले जाएंगे कि किस तरीके से पीछोरा यहाँ पर ही इंफॉर्मेशन मिलेगा कि किस तरीके से आपकी रैंकिंग, किस तरीके से सेटअप, आपको सारे के सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेंगे। और खास कर इस सेक्शन में दिया जाएगा, ये स्कूल सेक्शन में, ये रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग प्रोसेस को एक तरीके से यहाँ पर प्रॉपरली डिफाइन किया है लोगों ने। और हमेशा जब भी कोई कंफ्यूजन हो तो याद रखिए, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि स्पेशली आप इन्हीं चीजों को पढ़िए। जैसे एक बेसिक आपको हाइलाइट्स बता दूं, ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ 20th of September, इसकी एंडिंग 3rd of October है। और जितने भी, चूंकि सभी मैक्सिमम लोगों ने ये काम कर लिया है, ठीक है, एक जो इम्पोर्टेंट चीज जो बताने चाह रहा था कि हो सके तो ये नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी ₹200 फॉर जनरल OBC EWS एंड 100 फॉर द SC ST एंड PWD। आप कोशिश करिए कि या तो आप अपने अकाउंट से करिए या अपने खास जो रिलेटिव्स हैं उनके अकाउंट से, क्यों, क्योंकि किसी भी दूसरे एजेंसी से जब आप ये कराते हो तो क्या होता है कि काउंसलिंग के समय में जब आप, कई बार ऐसा होता है कि हम जब फी अपना जमा करते हैं किसी कोर्सेज के अगेंस्ट,
और उसमें ऑटोमेटिकली जब हम ऐसी सिचुएशन में होता है कि हम पेड सीट में एडमिशन लेते हैं तो मैक्सिमम जमा करना पड़ता है, और जब वो ऑटोमेटिक जो है नॉन पेड सीट्स में कन्वर्ट होता है तो उसके जो पैसे रिटर्न होने हैं वो ऑटोमेटिकली उन एजेंसियों को चले जाते हैं जिस सोर्स से वो पैसा आया हुआ होता है। क्यों? क्योंकि ये काफी पैनिक हो जाता है कि आप किस तरीके से उन पैसों को पाएं जो पैसे आपके एक्स्ट्रा लग चुके हैं। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये काम कर चुके होंगे रजिस्ट्रेशन पोर्टल का। और प्रेफरेंस एंट्री में जो भी एक चीज का ध्यान रखिए, खासकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कुछ चीजें गर्ल्स के लिए खास करके, बॉयज के लिए तो मेन कैंपस में भी बीए सोशल आर्ट्स का है, ठीक है। गर्ल्स के लिए आप देखोगे कि आर्य महिला पीजी कॉलेज, फिर डीएवी में दोनों हैं, फिर बीसीडब्ल्यू, ये तीन एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। इनके अलावा राजीव गांधी साउथ कैंपस है जहां पर कुछ कोर्सेज यहां पे मेंशन अभी नहीं हुआ है, लेकिन मुख्यतः जो प्रेफरेंसेज डालेंगे, प्रेफरेंसेज में कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे, वो चीज मैं बता दे रहा हूं कि सबसे पहले मेन कैंपस, उसके बाद गर्ल्स के लिए मोस्टली आप इन तीनों में लोकेशंस के हिसाब से आप डाल सकते हो। और लोकेशंस को आप सर्च करिए गूगल पे, किसी दूसरे से राय लेने से पहले जितना हो सके गूगल से आप सहायता लेकर चीजों को जान सकते हैं। प्रेफरेंसेस डालने के बाद आप इस पे ध्यान दीजिएगा, और 4 तारीख के बाद यहां पर एक अलग इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगा जो आपको डिक्लेयर करेगा कि किस तरीके से आप प्रोसीड करें नेक्स्ट स्टेप के लिए, जो आपका काउंसलिंग स्टेप होगा। क्योंकि 2 तरीके से ऐसे एक्सपेक्टेड है काउंसलिंग, ऑफलाइन और ऑनलाइन। जो सक्षम नहीं हो पाएंगे ऑफलाइन के लिए, उनके लिए ऑनलाइन की सुविधा होगी। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों में से 1-2 इंपॉर्टेंट चीज आप जरूर जानिए। पेमेंट का तो बता दिया मैंने, प्रेफरेंसेज लिस्ट भी, और इस वीडियो, जो वीडियो आप देख रहे हो उस वीडियो में आपको किसी भी तरीके का अगर कंफ्यूजन हो इन रिगार्ड ऑफ द एडमिशन इन यूजी कोर्सेज, तो आप आसानी से उस पर आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम कोशिश करते हैं कि इसका सॉल्यूशन निकालें। अगर आपको बिल्कुल ही आपने कुछ ऐसी गलती कर दी जो आपके हक में किसी तरीके से ठीक नहीं हो पा रहा, तो आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन में आकर हैं उसके फर्स्ट फ्लोर पे, साफ साफ वहां पे आप अपना दरखास्त देकर चीजों को सॉर्ट आउट करा सकते हैं, लेकिन समय रहते, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। हाँ, तो जो बात आप लोगों को मुझे कहनी थी वो हमने कह डाली कि आप रजिस्ट्रेशन कराइए, और जिसके लास्ट डेट 3rd of October है। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, ये सारी चीजें जो 1x1 स्टेप में लिखी हैं, ऐसा नहीं कि आप इसको स्किप करिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो स्किप हो जाती हैं और हम वीडियो पर आधारित होते हैं, ठीक है। हम हमारी तरह कई ऐसे लोग हैं जो वीडियो बनाकर पहले डाले हुए हैं, लेकिन कई बार हम लोग वीडियो ढंग से नहीं सुनते, तो प्लीज किसी का भी वीडियो सुनिए, अच्छे से सुनिए, क्योंकि वो अपनी मेहनत से इस तरीके से रात दिन करके चीजों को आपके सामने पेश करते हैं कि ताकि आपका कोई भी स्टेप जो है गलत ना हो जाए। इसके बाद आप ध्यान दें कि इस पे रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग प्रोसेस के बाद रजिस्ट्रेशन स्टेप फॉर द कैंडिडेट, जो चीजें उसमें लिखी थी उनके 3 स्टेप्स आपके सामने ये डैशबोर्ड होगा, ठीक है। इस दैट डैशबोर्ड इंक्लूड्स ओनली 3 सर्कल्स। धीरे धीरे क्या होगा कि यहीं पे कुछ और सर्किल्स होगी, जैसे काउंसलिंग पोर्टल, फिर पेमेंट तो दिया हुआ है, उसके बाद स्टेप्स टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, तो इस तरीके से ये चीजें बढ़ेंगी। लेकिन अभी फिलहाल 3 हैं, 3 में जब आप चीजों की एंट्री कर दिए होंगे तो एंट्री के बाद आपको इस तरीके से, जैसे एप्लीकेशन डिटेल्स जब आप कंप्लीट करोगे तो ग्रीन सिग्नल होगा, देन अपलोड द फोटो एंड सिग्नेचर, एजुकेशनल डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड, प्रीव्यू एंड कन्फर्म। तो ये चीजें 1x1 करिए और घबराइए नहीं, जिन्होंने भी कर लिया है वो जरूर अच्छे से देखें, जिन्होंने नहीं किया है
उनके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, ये चीजें धीरे धीरे एक फॉर्मेट पे होती हैं। जैसे जब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर द यूजी काउंसलिंग सेशन 2022 एंड 2023, तो आपको ये एक फॉर्मेट दिखेगा जिसमें जैसे यहाँ निदेश पांडे का है तो सारी चीजें मेंशन है, और इसको कंफर्म करके देखिए कि हम क्या क्या इंफॉर्मेशन जो डाले हैं वो कितने हद तक सही है। कई बार ऐसा होता है कि हड़बड़ी में चीजें गड़बड़ होती हैं, तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। मीनवाइल एक चीज और इंफॉर्मेशन हम बता दें कि इसमें प्रोसीड टू पे जो ₹200 फॉर द जनरल एंड EWS है और SC ST एंड PWS के लिए ₹100 रखा है पेमेंट के लिए, उसके बाद आपका प्रेफरेंस होगा। तो इन चीजों में सबसे जो चीजें बतानी थी हमने बता दी। आप यहाँ पे देख सकते हो, कभी भी याद रखिए, अपनी एक आदत बनाइए, दो चीजों की आदत बनी रहनी चाहिए, आपका मोबाइल हमेशा ऑन रहे, खास करके इस समय जब आपको एडमिशन चाहिए, उसमें मेल चेक करने का प्रोसेस आप हमेशा रखिए, क्योंकि मेल पे कई ऐसे इन्फॉर्मेशन हो जाते हैं जो आप मोबाइल किसी दूसरे के हाथ में देते हैं तो किसी कारण से स्किप हो जाता है, तो वो चीज़ें आज के समय में गलती आप ना करें। यहाँ जब भी इस पोर्टल को खोलेंगे आप, ठीक है, तो इस पर कभी भी कोई भी चीज़ आएगी तो नहीं आएगी इस फॉर्मेट में स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ साफ साफ है कि द प्रीफरेंस फॉर्म शैल बी ओपन नेक्स्ट डे एट द 12 नून फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड टिल 12 मिडनाइट, हेंस द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू अटेम्प्ट आफ्टर द 12 नून ऑन द नेक्स्ट डे। मतलब आप जिस दिन काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट किए हो, ये प्रोसीजर रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट किया है, रजिस्ट्रेशन के ठीक ऑलमोस्ट 24 आवर्स या ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 24 आवर्स के बाद नेक्स्ट डे, ठीक है, 12 बजे के बाद, दोपहर के बाद आपका प्रीफरेंस भरने का स्टेप ऑटोमेटिक ऑन होगा, जिसको आप वन बाय वन भर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए हो जिसमें आपको कंफ्यूजन हो तो आप प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, क्योंकि तभी हम कुछ कर सकते हैं। और कोई भी इंफॉर्मेशन अगर नया आता है तो हम शेयर करेंगे। लेकिन लास्ट बट नॉट लीस्ट कि जो भी चीजें हैं थोड़ा धैर्य से, किसी भी दूसरे पे डिपेंडेंट मत होइए जल्दी, आपका ये पोर्टल है और आपके लिए है, तो हर चीज पढ़िए और गूगल सर्च इंजन का उपयोग करके चीजों को जानिए परखिए और उस हिसाब से काम करिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।